नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के दैनिक लर्निंग टिप सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग दैनिक लर्निंग टिप्स लाए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है या ये कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है दैनिक लर्निंग। दोस्तों, यहाँ इंग्लिश लर्निंग टिप्स होते हैं, इनको डेली रीड करना होता है और इसी को लेकर ये वीडियो लेसन हम आपके लिए लाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेज़ी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेज़ी की बोल बोल कर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता के फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम आपके लिए लाए हैं हाउ टू फॉर्म और हाउ टू मेक प्लूरल फॉर्म ऑफ मोस्ट कॉमन नाउन्स। ज़्यादातर लोगों को नाउन की प्लूरल फॉर्म बनाने में कन्फ्यूज़न होता है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किसी भी नाउन की प्लूरल फॉर्म को किस तरह से बनाया जाता है। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, व्हेन वी फॉर्म फॉर मोस्ट कॉमन नाउन्स, यानी ज़्यादातर नाउन के अंदर अगर हम एस जोड़ देते हैं तो वो उसकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे बॉटल है, अगर बॉटल में हमने एस जोड़ा तो वो बॉटल्स कहलाता है। सो बॉटल्स प्लूरल फॉर्म है, ओके। और बॉटल, एक बॉटल के लिए बात कर रहे हैं तो हम बॉटल कहेंगे, एक से ज़्यादा हैं तो हम बॉटल्स कहेंगे। ऐसे ही दोस्तों, कप, एक कप कहलाता है और एक से ज़्यादा को हम कप्स कहेंगे, सिर्फ एस जोड़ देना है। ऐसे ही पेंसिल है, पेंसिल का प्लूरल बनाएंगे तो बन जाएगा पेंसिल्स। डेस्क सिंगुलर है, डेस्क का प्लूरल बनाएंगे तो बन जाता है डेस्क। ऐसे ही दोस्तों, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं विच एंड्स विद सी एच, एक्स और एस। ऐसे नाउन जिनका लास्ट अल्फाबेट सी एच हो या एक्स हो या फिर एस हो, तो वहां हम लोग ई एस जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉक्स है, बॉक्स यानी एक डिब्बा। एक से ज्यादा की बात करते हैं तो हम ई एस जोड़ देंगे क्योंकि लास्ट अल्फाबेट एक्स है। तो बॉक्स का प्लूरल बनता है बॉक्सेस। वॉच का प्लूरल बनता है वॉचेस, क्योंकि सी एच लास्ट में आया इसलिए हमने ई एस जोड़ा है, वॉचेस। ऐसे ही मॉस है, तो मॉस में डबल एस आ रहा है लास्ट में इसलिए हमने ई एस जोड़ा, मॉसेस। सो इस तरह से सी एच, एक्स और एस आने पर हम ई एस जोड़ते हैं। इसी तरह से दोस्तों, एक और तरह के नाउन बनते हैं, फॉर नाउन्स दैट एंड्स विद एफ। ऐसे नाउन जो लास्ट में जिनका अल्फाबेट एफ आता हो, वो कन्वर्ट हो जाते हैं वी में। यानी अगर किसी अल्फाबेट का, किसी नाउन का लास्ट अल्फाबेट एफ है तो प्लूरल बनाते समय हम उसको वी में कन्वर्ट कर देते हैं और लास्ट में ई एस जोड़ते हैं। जैसे वुल्फ यानी भेड़िया, एक से ज्यादा भेड़िए हैं तो हम कहेंगे वुल्व्स। सो देखो, एफ कन्वर्ट हो गया वी में और लास्ट में ई एस जोड़ दिया। सो वुल्फ को कहेंगे, वुल्फ का प्लूरल होगा वुल्व्स। ऐसे ही वाइफ, वाइफ का प्लूरल होता है वाइव्स। लीफ, लीफ यानी पत्ता, लीफ का प्लूरल होता है लीव्स, लीव्स यानी पत्तियां। ऐसे ही लाइफ, लाइफ का प्लूरल बनता है लाइव्स। सो दोस्तों, इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाए जाते हैं। आई होप यू लर्नड इट। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर।